ये ज़मीन की मालिक आखिर तक म्यूनसिपालिटी ही रहेगी। जो मेरी इच्छा है वो ये है कि 24 घंटा खुला होना चाहिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो चाहे वो बिहार का हो, उसको जगह वहाँ मिली। हमारी जो जिम्मेदारी थी वो कब्रिस्तान लाने की थी, हमने ला के दे दिया, अब कौम के हवाले कर। मेरे से बहस करना, मेरे मुझे उस पर इल्ज़ाम लगाना सब लोग कर चुके हैं। रहा टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के एमएम वली स्थित टीएमसी का नया कब्रिस्तान जो है, अब उस कब्रिस्तान की कमेटी गठित की गई है। कमेटी में 16 मेंबर शामिल हैं जो अब एक ट्रस्ट बनाएंगे और कब्रिस्तान की जिम्मेदारी ट्रस्ट के हाथ में रहेगी। कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड के बंगले पर आज मंत्री के साथ कमेटी के सभी मेंबर्स ने मीटिंग की। इस दौरान एनसीपी के कलवा मुमरा अध्यक्ष शमीम खान, बबलू सेमना, रेहान पीतलवाला, इमरान सुरमे ऐसे कई नगर सेवक कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने मुमरा शहर में कब्रिस्तान की समस्या को देखते हुए बताया कि एक और नए कब्रिस्तान मुमरा शहर को देने की कोशिश हो रही है। कब्रिस्तान कमेटी के बारे में मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने क्या पूरी जानकारी दी है, सुनिए। कब्रिस्तान कमेटी का क्या ऐसा है कि अभी तक तो 1.5 साल होने को आया, कब्रिस्तान कौसा कब्रिस्तान वाले हमारे भाई लोग संभाल रहे थे, जिम्मेदारी के साथ संभाल रहे थे। म्यूनसिपालिटी का अहम फैसला हुआ है कि एक नई कमेटी बना करके दत्तूवाड़ी से लेके वाई जंक्शन तक सभी आलिम जिनको इस्लाम के बारे में बहुत जानकारी है, ऐसे जिम्मेदार लोगों को इस कमेटी में लेके म्यूनसिपालिटी ने अब ये जिम्मा उनके ऊपर सौंप दिया है। ये ज़मीन की मालिक आखिर तक म्यूनसिपालिटी ही रहेगी क्योंकि म्यूनसिपालिटी की ज़मीन है। ये ट्रस्ट को इंतजाम करने के लिए सूचनाएं दी गई है और ये इंतजाम करेंगे। मैंने एक ही कहा है कि जो मेरी मानसिकता थी, जो मेरी इच्छा है वो ये है कि 24 घंटा खुला होना चाहिए और कोई गरीब आदमी अगर उसका मुमरा कौसा के हद में इंतकाल होता है तो चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो चाहे वो बिहार का हो, उसको जगह वहाँ मिलनी चाहिए। मालिक ने बुलाने के बाद उसका 3 गज ज़मीन का अधिकार हम छीन नहीं लेना चाहते, उसको मिलना चाहिए। अभी तक तो इसी लाइन पे वो चलता रहा, अभी ये सब लोग बैठे हैं, जिम्मेदार है। हमारी जो जिम्मेदारी थी वो कब्रिस्तान लाने की थी, हमने ला के दे दिया, अब कौम के हवाले कर। जितने भी दफन हुए, जितने भी कब्र में हैं, अल्लाह ताला उनको मगफिरत फरमा दे। इतनी हम लोग इतनी ही बात मैं कहना चाहूँगा। बाकी कमेटी बन गई है, ये कमेटी तो बन गई है, ये सब लोग यहाँ बैठे हैं, कमेटी बनाई गई है, नए कब्रिस्तान के ट्रस्टी बनाए गए, इनको ट्रस्ट खोलने को कहा गया है, ट्रस्ट खोलेंगे, ट्रस्ट का अकाउंट रहेगा और सब जिम्मेदार है, जाने माने लोग हैं, आलिम हैं। और मुझे खास करके खुशी है कि सब उसमें से 90% मौलाना है जिनको इस्लाम के बारे में मालूम है। यानी मेरे से बहस करना, मेरे मुझे उस पर इल्ज़ाम लगाना सब लोग कर चुके हैं। अब मुझे लगता है कि कोविड के बाद लोगों को पता चला है कि ये कब्रिस्तान कितना ज़रूरतमंद था और अल्लाह ताला ने मुझे जरिया बना करके बराबर 1 साल पहले उसको ला के यहाँ पे ठीक रख दिया। यानी ऊपर वाले का कानून देखो कैसा है। अब मेरी क्या जिम्मेदारी है? बहुत जल्द मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मुझे और बहुत काम करने हैं। इसलिए इसके अलावा और भी कोई कब्रिस्तान है? शमीम भाई बोल रहे हैं, मुझे और एक कब्रिस्तान लाने की मानसिकता है, इच्छा है। ऊपर वाले के हाथ में अगर जगह मिल गई तो हो जाए, वो भी हो जाएगा। सर, कमेटी में कितने मेंबर हैं? 16 मेंबर है कमेटी में। अध्यक्ष हारून कबरुद्दीन राउत है, असलम भाई वाइस प्रेसिडेंट है, मौलाना ज़ियाउद्दीन आए नहीं ना, वो मेरे मौलाना ज़ियाउद्दीन यानी दारुफला मस्जिद वाले ना, दरगाह भाई ने दिया ना, ज़ियाउद्दीन फुरकान बेटा, ज़ियाउद्दीन वही है ना, रहमानिया वाले। हाँ, तो वो ही है।
लियाकत ढोले जो पुराने साथीदार हैं हमारे और वो जनरल सेक्रेटरी है, हमारे मौलाना अजहर हुसैन सिद्दीकी ये सेक्रेटरी है, और अब्दुल वहाब कासमी जो वो खजिंदर है, फिर मौलाना अब्दुल हसीम मदनी है, गफ्फार भाई मेमन है, मौलाना मोहम्मद रफ़ीक अजमल है, खान अब्दुल रहमान अमीन है, ये रहमान भाई है, मुनाफ राउत है, ये मुनाफ राउत यहाँ पे बैठे हैं, दादा हशीम मेमन है, ये मुमरा से है, दत्तूवाड़ी से, मुर्तज़ा हसीन हुसैन खान है, मौलाना जाकिर साबले हैं, आए नहीं है, और मुख्तार सेमना ये जो कॉन्ट्रैक्टर है जिन्होंने बहुत मेहनत की है पिछले 3 साल से, लगातार बारिश हो धूप हो सब जगह पे वो खड़े रहे, ये सब मिला करके एक अच्छी कमेटी बनी है, अब जिम्मेदारी से ये निभाएंगे और आगे चलेंगे।